हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज का व्लॉग करते हैं यहीं से स्टार्ट। कंटेंट से आप लोगों को पता चल चुका होगा, मैं जा रहा हूँ जी थाईलैंड, और अभी मैं एयरपोर्ट पे हूँ, चेक इन ओपन नहीं हुआ, वेट कर रहा हूँ, और आप लोगों से स्टे इन टच रहूँगा। जैसे जैसे सारा प्रोसेस कंप्लीट करता जाऊँगा, आप लोगों को अपडेट भी करता जाऊँगा। और जो भी यार लोग चैनल पे नए हैं, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल के बटन को दोबारा नहीं भूलना, ताकि नई नई वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहे। यस गाइस, सो इमिग्रेशन काउंटर और बोर्डिंग क्लियर होने के बाद मैं दोबारा से आप लोगों के साथ स्टे इन टच हूँ। अच्छा, मैं अब आप लोगों को मस्कत का एयरपोर्ट भी दिखाऊंगा, और इसके साथ साथ बातें करेंगे कुछ ट्रिप से रिलेटेड, आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन भी दूंगा। काफ़ी सारे मेरे दोस्त मुझसे पूछ रहे थे, जिनको पता था कि आपने वीज़ा कैसे अप्लाई किया है, आपने पैकेज कहाँ से लिया हुआ है, टिकट्स आपको कितने की पड़ी है, तो मैं सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूँ। अभी मैं ये हूँ ड्यूटी फ्री की शॉप में, तो चलें आपको कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ड्यूटी फ्री से अगर आप कुछ लोग शॉपिंग करना चाहते हैं, आप लोग कैसे शॉपिंग कर सकते हैं और क्या क्या आप लोगों को मिलेगा। ये है फीमेल सेक्शन, जहाँ से आप लोगों को मेकअप से रिलेटेड चीज़ें मिल जाएंगी, और ये है परफ्यूम सेक्शन। अच्छा, परफ्यूम यहाँ पे ऑफ में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी जो प्राइजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। रेदर देन अगर आप बाहर की किसी मार्केट से चेक करते हैं, तो वो आपको कंपेरेटिवली लो मिलेगा। ये तो एक बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप लोग कोई चीज़ स्किप कर रहे हैं, या फिर आप लोगों को ड्यूटी फ्री से वेट का इशू नहीं होता, तो इस वजह से आप लोग ले सकते हैं। ड्यूटी फ्री पे ये एक भी चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी कि कुछ चीज़ें आपको कंपैरेटिवली बाहर से रिलेटेड सस्ती भी मिल सकती हैं। उसकी ये रीज़न है कि यहाँ पे ऑफ चल रहा है। जैसे ये देखिए, मैंने आपको दिखा रहा हूँ 20। गाइस, मैं जब सुबह घर से निकला था, कुछ खा के नहीं निकला था, सिर्फ एक गिलास पानी पिया था और एक कप चाय, वो भी रस्ते से आते हुए ली थी, क्योंकि एयरपोर्ट के लिए निकलने के लिए टाइम जो है वो काफ़ी शॉर्ट था। अब मैं हूँ मैकडोनल्ड पर, आप मेरे पीछे मैकडोनल्ड आपको नज़र आएगा, आप देख सकते हैं, और कुछ यहाँ से ले लेते हैं लाइट सा खाने पीने के लिए। लंच का टाइम हो चुका है अप्रॉक्सीमेटली, लंच नहीं, इनफैक्ट ब्रंच का टाइम हो चुका है, तो ब्रेकफास्ट प्लस लंच। तो अब को मैं थोड़ा सा एयरपोर्ट का बैक व्यू दिखाता हूँ, ठीक है? ये आप चेक करें, ये थोड़ा सा बैक व्यू है, और मैं आप लोगों को अपने दूसरे कैमरा से दिखाता हूँ। ये गाइस चेक करें, यहाँ पे आप लोग गेट हैं इनके, डिफरेंट डिफरेंट ABC अल्फ़ाबेटिकली इसको ऑर्गेनाइज किया हुआ है। जब आप यहाँ पे आ जाते हैं और आपकी बोर्डिंग क्लियर हो जाती है, इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद आप वेटिंग एरिया में आ जाते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग वेटिंग रूम में बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं अपनी अपनी फ़्लाइट्स का। यहाँ पर आके प्लेन जो है यू इसी ट्यूब में आके वो लग जाते हैं। फिर आप इस एयरपोर्ट को देखें कि ये कितना बड़ा एयरपोर्ट है, आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये एयरपोर्ट है। तो आप लोगों से मैं स्टे इन टच रहूँगा, आप लोगों को जैसे जैसे फर्दर स्टेप्स क्लियर करता जाऊँगा, मैं आप लोगों को बताता जाऊँगा, और अब इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी थाईलैंड में जाके। गाइस, मुझे भूख लगी थी काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, मैंने दो ऑर्डर इसलिए कर दिए हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा खा सकूं, क्योंकि भूख काफ़ी ज़्यादा थी, तो दो ऑर्डर कर दिए हैं। इसकी प्राइस कितनी है यार, अंदर आपको पता है एयरपोर्ट के काफ़ी ज़्यादा चार्ज करते हैं। मैं गेट पर पहुँच चुका हूँ और गेट अभी ओपन नहीं हुआ, आई होप आफ्टर 10 to 15 मिनट्स इसको ओपन कर दिया जाएगा। जैसे कि मैंने कहा था आपको, मैं एयरपोर्ट भी दिखाऊँगा, आप देख सकते हैं गाइस मेरी जो बैकग्राउंड पे जो है ना, वो आपको एयरपोर्ट की इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट भी नज़र आएगी। अच्छा, काफ़ी सारे मेरे दोस्त पूछ रहे थे वीज़े का, मैं आपको इतना सा बता देता हूँ कि इंडियन नेशनैलिटी के लिए, पाकिस्तानी नेशनैलिटी के लिए, और जो भी एशियन नेशनैलिटी है, इनका इनके लिए इनका जो है ना वो वीज़ा स्टिकर वीज़ा है। बाकी अदर देन नेशनैलिटीज़ जो है ना, वो GCC के लोग हैं उनके लिए इनका जो वीज़ा है वो ऑन अराइवल भी वीज़ा होता है, और कुछ कंट्रीज़ के लिए वीज़ा नहीं भी होता। अच्छा, इंडियंस के लिए भी वीज़ा इसका अवेलेबल होता है, वो भी ऑन अराइवल है। आप दो तरह से मैकेनिज्म कर सकते हैं वीज़ा के लिए, या तो आप ऑन अराइवल वीज़ा ले सकते हैं, या आप जिस कंट्री में रहते हैं वहाँ की एम्बेसी में जाएं वीज़ा ले सकते हैं। वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं, आपको क्या क्या कुछ करना है, उसके लिए मैंने एक अलग से व्लॉग बनाया है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्लाइट मैं जा रहा हूँ सलामेर की फ़्लाइट के ऊपर, ये सलामेर मस्कत से डायरेक्ट फुकट जाती है। ये कितने की फ़्लाइट मुझे पड़ी है, ये फ़्लाइट
और बजट क्या है, आपने वहाँ पे जाके मैनेज कैसे करना है, आपने पैकेज लेना है अगर पैकेज लेना है तो किससे पैकेज लेना है, पैकेज में क्या क्या इंक्लूडेड होगा और क्या क्या एक्सक्लूडेड होगा, ये सब कुछ पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर में जो फुकेट के ट्रिप होंगे, थाईलैंड के ट्रिप होंगे, क्राबी के ट्रिप होंगे, बैंकॉक के, उन सब में मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो अभी तक के लिए ये वाला व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ और इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी थाईलैंड में। थैंक यू सो मच गाइज, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर गाइज। ये प्लेन में बैठने के लिए जा रहे हैं, फ्लाइट का टाइम हो गया है और इसके बाद आपसे मुलाकात होगी थाईलैंड जाके इंशाल्लाह। सी यू।